खबर बलिया जनपद के रसरा से है, जहां उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा परिवहन विभाग चेतक सेवा के अंतर्गत 500 एसी बसें चलाएगा। उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों का 1,000 करोड़ से आधुनिक तरीके से विकास किया जाएगा। बलिया बस अड्डा का विकास एयरपोर्ट की तरह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12,200 गाँव से बसें चलाई जाएंगी। राजधानी सेवा के तहत प्रत्येक जिले से 2-2 बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुविधा युक्त बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को परिवहन विभाग के ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। वे ऑनलाइन आवेदन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। गाड़ी फिटनेस का काम अब हर जिले में पीपी मॉडल के तहत किया जाएगा और गाड़ी का फिटनेस प्राइवेट आदमी ही कर देगा। परिवहन मंत्री शनिवार को स्थानीय अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित शताब्दी समारोह के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने इंटर कॉलेज को 5 स्मार्ट क्लास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए शताब्दी हॉल बनाने की घोषणा की। साथ ही विद्यालय प्रबंधन से कहा कि वे शीघ्र एस्टीमेट बनाकर भेजें, वे शासन से स्वीकृति दिला देंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एडेड विद्यालयों के लिए 500 करोड़ के बजट में व्यवस्था की है, जिससे जर्जर भवन को ठीक कराया जा सके। आदर्श नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी द्वारा रसरा बस स्टेशन को डिपो बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि वे इस आधुनिक बनाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। पीसीएफ के चेयरमैन वाल्मीकि त्रिपाठी ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में सर्व श्रीराज शेखर सिंह, रामायण सिंह प्रबंधक, श्याम कुमार गुप्ता, राजकुमार विजय कुमार पांडे, कैलाशपति महंत, कौशलेंद्र गिरी, लाल चंद्र गुप्ता सहित काफी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये बलिया की शान है, आज 100 वर्ष इस विद्यालय का एंड हो गए हैं। इस विद्यालय से पढ़े हुए बहुत सारे लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को न्यौछावर किए। ये विद्यालय बलिया के गौरव है, यहाँ से लोग प्रेरणा लेकर के देश की आज़ादी की लड़ाई हो, विकास नारायण की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो, या देश के सामने जब जब कोई चुनौती आई है, इस विद्यालय के छात्रों ने आगे चल करके 2 कदम आगे बढ़ करके योगदान दिया है। आज ये 100 वर्ष पूरा कर रहा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इस विद्यालय में लोगों ने अपने संसाधन के द्वारा इस विद्यालय का निर्माण कराया। आज 100 वर्ष के बाद इसकी जो बिल्डिंगें हैं बहुत उतनी अच्छी नहीं रह गई हैं, तो आज इस विद्यालय को हम लोगों ने तय किया है कि शताब्दी वर्ष में एक यहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉल बनाया जाएगा, जिसका शताब्दी उसका हॉल नाम रखा जाएगा। उसमें जो लोग इस विद्यालय को बनाने में योगदान दिए हैं, चाहे किसी रूप में किए हैं, उनकी सबकी एक उसमें चित्र लगाया जाएगा कि उससे प्रेरणा लेकर के आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं। सर, एक सवाल और, क्योंकि बलिया जो रहा है अपना आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, ऐसे में जो है रसरा जो है रोडवेज जो है काफी दिनों से बदहाली में है, और ऐसे में जो है परिवहन मंत्री जो है बसपा सरकार में हुए थे कहे कि इसको डिपो का दर्जा मिलेंगे, लेकिन अभी तक इसको डिपो का दर्जा नहीं मिला। हालांकि सपा सरकार भी हो लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि आपकी सरकार में 1,70,00,000 रुपए मिला, इसकी दशा तो सुधर गई है, लेकिन शाम को पेकड़ों का आतंक बना रहा था और यहाँ पे बसें अंदर नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ कहा कि सुधरा है ना जी, और अब आप देखिए आने वाले दिनों में बलिया के कोई भी जो बस अड्डा हो आप कितने सुंदर बनेगा, आप इसका आपको मैं कह नहीं रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। सर, एक सवाल और है कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा, सर एक सवाल और है कि आए दिन परिवहन विभाग में केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं बनेगा, मैंने बलिया का ऐसा विकास होगा कि ये कितना सुंदर बलिया बनेगा कि लोग याद करेंगे कि एक नया बलिया का निर्माण हम लोग जगह की बात हो रही है। जगह यहाँ पे चीनी मिल और कताई मिल 64 एकड़ 84 एकड़ में खाली पड़ा हुआ है, लेकिन जगह चीनी मिल और कताई मिल की जमीन को हम लोग औद्योगिक नगरी उसको फिर से स्थापित करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि रसरा जो बलिया के औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जगह है, ये सभी जो जगहों को जो बंद पड़ी चीनी मिल है या कताई मिल, उस जमीन को हम लोग नए कारखाने बनाने के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए हम लोग इस बात को चर्चा में कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम प्रस्तुत किया है। रसरा से वाराणसी के लिए कोई भी रोडवेज की बसें नहीं, इसमें क्या कहेंगे सर? बाईपास नहीं, दो बाईपास
नाम से बलिया में फोर लेन पर आए के लिए बात करने के लिए धन्यवाद।